गुड मॉर्निंग भाई लोगों। आज है 14 जून 2024। भैया जी पी रहे हैं दूध। हम थोड़े लेट चल रहे हैं भाई लोगों। मेरा एक डॉक्टर का सेशन है, उसके लिए लेट चल रहे हैं। 12 बजे का है। हमारे यहाँ से 20-25 मिनट की ड्राइव ही है। ये वो वाला डॉक्टर है जो मेरे रिसेंट साइकोथेरेपी वाले ने जो बताया, जहाँ पे जाके दवाई ले लो अपने सोने के लिए, उस टाइप का। भाई मुझे पता नहीं क्या होगा, वहाँ जाके पता लगेगा। लेडी भी जा रही है मेरे साथ, वो मेरे को ड्रॉप कर देगी वहाँ पर। भैया जी भी जा रहे हैं मेरे साथ, अभी इनके कपड़े चेंज हो रहे हैं दिखाने तक तो मैं हम तो भाई लोगों अभी कल तो प्लान ये है। Sounds good, no? It's pretty encouraging. Let's see. I didn't see the thing, but I can come every 15 days. I go on Mazamet, and then he said, I told him, I said, yeah, but someone told me it can go to 60, like doubles also. And he said, yeah, but there is some roof people which are not very clean. And I said, yeah, that's what I've heard. So he said, no, but we are not like this. Good approach according to me. ओके भाई लोगों, मैं अपने स्टेशन पे आ गया हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेडी बैठ लेडी है गाड़ी में, जाएगी शॉपिंग वॉपिंग करने। I will go fast Leclerc and come back, no? Yeah, I think I will be fast also. Are you want me to wait? तो भाई लोगों ये जाएगी अपने ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग करने। मेरी जो आज अपॉइंटमेंट है वो मेरे को आज बताएगा भाई क्यों सो नहीं पा रहा मैं, मेरे को दवाइयाँ देगा उसके लिए, और मेरा दिमाग क्यों नहीं शांत हो पा रहा है इन सब चीज़ों के लिए। भाई ज़िंदगी ऐसी हो रखी है कि पूछो मत, कि हर चीज़ में आजकल प्रॉब्लम चल रही है। घर खरीदने का वो हो रखा है हमें, वो भाई ये बंदा ढंग के आंसर नहीं कर रहा है, तो दिमाग शांत नहीं होकर दे रहा है मेरा। तो उसको शांत करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं भाई लोगों, चलो। ओके भाई लोगों, मैं अपने सेशन से बाहर आ गया हूँ। डॉक्टर भैया बड़ा बढ़िया डॉक्टर था, मेरे से पूरी बातें करी उसने, मेरा पूरा केस पढ़ लिया पहले कंप्यूटर पे, उसके बाद मेरे से बातें कर रहा, मेरे से पूछ रहा था कैसे तू सो नहीं पा रहा है, क्या तेरे दिमाग में चलता रहता है, क्यों तुझे ऐसा लगता है कि तुझे तेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे से पूछी, और लास्ट में उसने मेरे से बोला कि मैं एक चीज़ डिसाइड कर रहा हूँ तेरे लिए, कि मैं तेरे को एक एंटी डिप्रेसिंग पिल्स दे दूँगा और थोड़ी पिल दूंगा सोने के लिए। और उसने बोला 2 महीने बाद मिलेंगे दोबारा, तो वो बोल रहा है अभी के लिए तो तू ये ट्राई कर पिल्स, तो देखते हैं भाई। ये पिल भी कभी मैंने ली नहीं है, मैं दवाइयों से दूर भागता हूँ इस कंट्री में आने के बाद, दवाइयाँ दवाइयाँ चल रही हैं मेरी हर बात पे। ठीक है भाई लोगों, अब चलते हैं हम जोई की तरफ। जोई निकल चुकी थी कहीं पर, अब मेरे को उसके पास वॉक करना पड़ेगा। ठीक है भाई लोगों, तुम्हें मिलता हूँ आगे। मुझे नहीं पता कहाँ आ गया, गूगल मैप देखना पड़ेगा मेरे को। भाई लोगों, ये जो टाउन है ना जहाँ पर अभी हूँ मैं, हमारे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ये टाउन बड़ा फेमस है भाई अपनी वाइन के लिए। इस अभी तो मैं टाउन में हूँ, टाउन के जो आसपास वाला इलाका है बाहर आउटर स्कर्ट्स, वहाँ पे सारी वाइनरीज हैं भाई, बड़ी बड़ी वाइनरीज हैं। मगर जो यहाँ की जो वाइन है ना, गया की वाइन बहुत ज़्यादा फेमस है। जोई की भी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट वाइन्स में आती है उसकी। और भाई फ्रांस है भाई, फ्रांस में वाइन नहीं फेमस होगी तो क्या फेमस होगा भाई लोगों, वाइन और चीज़। ठीक है भाई लोगों, अभी जोई की चल रही है। जोई मेरी तरफ निकल गई है वहाँ से, गाड़ी पे आ रही होगी। मैं चल रहा हूँ, इतने वॉक कर रहा हूँ, मैं खड़ा रहूँगा इतना अच्छा कि वॉक कर लेता हूँ। मेरे पास उसकी लाइव लोकेशन है, उसके बाद मेरी लाइव लोकेशन है, तो उसके हिसाब से हम एक दूसरे को कैच कर लेंगे। What's up? हम आ गए थे सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी पे। लेडी लेगी थोड़ी बहुत वेजिटेबल और थोड़ा फ्रूट, जो भैया की फ्रूट की सॉस बना पाए। टोमेटो सूप ऑल्सो। अच्छा हाँ, टोमेटो सूप भी बनाने के लिए टमाटर भी लेगी। आई विल ऑल्सो टोमेटो सूप। आई फील वेरी गुड। आई इट्स लॉन्ग दैट आई डिडंट हैड। मे बी वी हैव ओनियंस। We have onions. We have even bread at home, no? The frozen one, which we can take it out to finish with the tomato soup. Yep, that's what I'm and gonna we eat. Have, no, we don't have crouton. It's for the. We don't have crouton. Okay, we have to make it or buy it or something like this. ठीक है भाई, vegetable वगैरह खरीदते हैं।
भाई लोग, भैया को ये देखना था, कह रहा मेरे को उसको हाथ लगाना है. व्हाट इज दिस? यू लाइक दिस एंटलर मपुसा? भाई लोगों, ये 2000 यूरो का आता है. इस पर प्राइस लिखा हुआ है 2000 यूरो. बुरा नहीं बना हुआ. कल भाई लोगों मेरे से पूछी थी एक ऑलिव ऑलिव का ट्री रेडी कितने का आता है. ये है देखा, ऑलिव का ट्री है, पूरा रेडी है, पॉट में है. अपने घर में ले जाओ और इसको लगा दो और ऑलिव आने शुरू हो जाएंगे. तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा. पता है कितने का है? 6000 यूरो का. 5900 यूरो का है भाई लोगों. और लेडी को चाहिए हमारे घर में, कह रही है. ऐसे बहुत कह रही है ऑलिव नहीं चाहिए. चलो ठीक है, बच गए भाई, ऑलिव नहीं चाहिए, बट और कुछ पेड़ चाहिए इसको. ऐसे रेडी रेडी पेड़ आएंगे और अपने घर में लगा देंगे. हम जो भी घर खरीदेंगे वहाँ पे, ये हमारा प्लान है कि आधे आधे रेडी, ओके, आधे रेडी पेड़ लेंगे. जो मतलब अगले साल से, आज लगाया तो एक साल के बाद फ्रूट्स देना शुरू कर दें. नहीं तो भाई ट्री ज़्यादातर फ्रूट्स देना शुरू करते हैं 5 से 6 साल के अंदर अंदर. नॉर्मली देखिए फ्रूट्स इन 5 to 10 years. नो, 3 years मोस्ट ऑफ देम आर द फ्रूट्स. ओके ठीक है भाई लोग, हम सब्जी मंडी से बाहर आ गए थे. अब यहाँ टाइम पास कर रहे हैं पेड़ देखने में, क्योंकि घर लेना, घर के लिए फाइनल करने वाले हैं. तो लेडी को अभी से अपने ट्रियों की टेंशन हो गई है कि मेरे को ये वाला ट्री भी चाहिए था, तूने बोला था ये वाला ट्री भी लेना है मेरे को. ये सब चीज़ें चल रही हैं इसकी. तो अभी के लिए तो मैं तो दूर भाग रहा हूँ भाई, जो खर्चा ना हो जाए. घर तो लिया नहीं, खर्चा हो जाएगा पहले ही. Same as all this Montessori stuff and all. I really want that. Like, oh, I put his bed on the floor and then he's, but then he's rooming everywhere. That is not safe then. Yep. So he needs to be in a normal way, parked in his bed. What else I can do? Yeah. I don't have choice. Yeah. Go basic. You know, you have to go from here. You're gonna turn right. No, I'm gonna turn somewhere. Right. But it was supposed to be before, but I don't see it. This is the right. Okay. Oh, I can try like this, actually. They were a little far, so it's okay. What do you want to try? By this way. Yesterday, the other day, it was saying by this way, so you remember? Zan. Pure zone light, see? Okay. Let's try. Like this, I'm avoiding all the city center. Yeah. ओके भाई लोगों, हम वापस आ गए थे. हमने शॉपिंग वगैरह कर ली थी, घर आ गए वापस. भैया जी वेजिटेबलों में घुसे हुए हैं. मैं चीज़ काटा है, चीज़ काट के फ्रीज़र में लगा दिया है. और भैया जी भी चीज़ खाए जा रहे हैं मेरे साथ. लेडी अपनी वेजिटेबल में लगी हुई है, सॉरी हाँ फ्रूट्स में लगी हुई है. फिर वेजिटेबल में लग जाएगी टमाटो सूप बनाने के लिए. अभी के लिए फ्रूट्स काट रही है भैया जी के लिए और मेरे लिए. ठीक है भाई लोगों, मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगा आज. लिटिल आपको घुमाने लेके जाएंगे और दिन ख़त्म कर देंगे भाई कहीं कहीं, क्योंकि भैया जी हो गए हैं थोड़े इरिटेटिंग. लिटिल को घुमा के आ गए थे. लिटिल को घुमाने से पहले मैंने भैया जी का पिज़्ज़ा और अपना पिज़्ज़ा बना के हमने खा भी लिया. लिटिल लेडी का पिज़्ज़ा रह गया है. अब लेडी का पिज़्ज़ा बनाने के लिए ओवन ऑन कर दिया है मैंने. चल रहा है ओवन इधर. ओवन ऑन कर दिया है मैंने इसका. अब मैं इसका पिज़्ज़ा बनाऊँगा. आज का भाई सेशन ऐसा था कि मेरे को उसने दोबारा याद दिला दिया कि क्या क्या हुआ मेरे साथ. उसने मेरे को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारी फैमिली है, बट उससे भी ज़्यादा जरूरी फैमिली तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा है. तो इस चीज़ पे तुम ज़्यादा ध्यान रखो हमेशा,
चाहे वो जोई के मम्मी पापा तुझे तंग कर रहे हो, चाहे मेरे मम्मी पापा मुझे तंग कर रहे हो, कह रहा हूँ उन सब चीज़ों को एक साइड में रख के रखो, तो जब भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। उसको कम करने के लिए उसने टास्क दिया मेरे को 2 दिन कि उनको मैं पूरा करूंगा तो मेरी मेंटल हेल्थ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। बट उससे पहले उसने मेरे को दवाई दी है, एक एंटी डिप्रेशन की दवाई दी है कि उसको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत डिप्रेशन की तरफ बढ़ चुका हूँ, और एक और दे दी है उसने मेरे को, सेकंड दवाई दे दी है जो सो नहीं पा रहा हूँ मैं, सोने के लिए उसने एक दवाई दे दी। उसने बोला हैवी डोज नहीं है, तो वो कह रहा तुझे हो सकता है इंप्रूवमेंट हो जाए इससे, ट्राई करने के लिए बोला उसने मेरे को 2 महीने। देखते हैं इसके बारे में, ये लेते हैं, और पहली बार ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ मैं पहले कभी गया नहीं ऐसे सेशंस पे, पहली बार जाना शुरू किया था तो दवाइयों पे भी पहली बार आ रहा हूँ, तो भाई इफेक्ट करेगा हमारे दिमाग को, तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है भाई लोगों, चलता रहेगा ये सब, हम मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।